जगह हमें इतना ताबुन नहीं मिला, किसी ताउन में इतना ताउन नहीं मिला जितना हमारे यहाँ के यूसी नाज़िम जनाब काजी साहब ने इस पार्क में टाइम दिया, हिदायत दी और हमारे हर मुश्किलात के साथ वो साथ रहे। महातिर मोहम्मद यहाँ आए और उन्होंने एतकाफ किया। एतकाफ करने के बाद जब वो नीचे उतरे तो सिंध की एक वजीर डॉक्टर हमीदा खोड़ो जो लाजी में शहर के साथ मौजूद थी, यहाँ के साबित किया भी मौजूद थे, एक और जनरल गुलाम अहमद भी मौजूद थे। डॉक्टर हमीदा खोड़ो ने कहा कि हमारा महातिर मोहम्मद नेमतुल्ला खान है जिसने इस शहर की तामीर और तरक्की का एक नया बाब कदम किया है। अपने प्रोग्राम में इंतहाई अहम इंतहाई मारूफ शख्सियत आलम दीन मौलाना कारी रजा और मुस्तफा कासमी साहब का इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। शहर बाली शहर खादिम शहर बारिश शहर नेमतुल्ला खान एडवोकेट साहब दीगर टाउन नाज़मीन और मेरी काबिले एहतराम भाव बहनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों अहलिया बारिश शहर में आज सलाम पेश करता हूँ जनाब नेमतुल्ला खान एडवोकेट को, 75 साल उस शख्स को जिसने 3 साल की कलील मुद्दत में इस शहर कराची के रंग रूप को तब्दील किया है। वो शहर कराची के मिसाल तेरी गलियों पे वतन के जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला अगर तवाफ को निकले नजर चुरा के चले जिस मोजा बचा के चले, वो शहर कराची जो पिछले 17 सालों से खून की नदियां जिसमें बही थी, वो शहर कराची जिसकी क़यादत इस अहलिया ने कराची ने उन लोगों के हवाले की थी जिन्होंने ये दावा किया था कि हम इस शहर को उसके हुकूक दिलाएंगे। मैं आज उस लंदन की क़यादत से ये पूछना चाहता हूँ कि आज ये हिसाब तुम पर फर्ज है कि मैं यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अपने बेटे तुम्हारे हवाले किए थे, बहने मौजूद है जिन्होंने अपने सुहाग तुम्हारे हवाले किए थे, वो वालदेन मौजूद है जिन्होंने अपने बुढ़ापे के सहारे तुम्हारे हवाले किए थे, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? ये शहर कराची 25,000 नौजवानों के खून में नहलाया गया। अपने तुम मौजूद हो लेकिन ये पूरी क़यादत जो तकरीबन 90 लोग बनते हैं एक तरफ अपनी अय्याशियों में है और ये 75 साल का बूढ़ा अकेला नेमतुल्ला खान उन सबके बारी है। सबसे ज्यादा शुक्र और सबसे ज्यादा शुक्रिया के मुस्तहिक है जमात इस्लामी के वो कारकुनान कि जिन्होंने ये महफिल सजाई है, जिनकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं और जिनकी वजह से ये शहर एक नई करवट ले रहा है, नई करवट ले चुका है, इंकलाब आ चुका है। जमात इस्लामी के वो कारकुनान कमरा है, ये सारी मेहनतें हैं जमात इस्लामी के उन कारकुनान की जो गलियों के अंदर जो अपने अपने पूरे सारे वक्त को लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाए, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ जमात के कारकुनान को, जमात की क़यादत को। और मैं उस इतिहास से अल्लाह के बाद कराची को अपना मौसम समझता हूँ।
और मैंने कराची के एहसान का बदला दिलाया इसी तरीके से करने का कोशिश की है कि मैं कराची की मसाइल को हल करूं, कराची को रोशनियों का शहर बनाऊं, कराची को सस्तर शहदाज शहर बनाऊं, कराची के अंदर हर तरफ दरख्त लगे हों। मैंने तकरीबन 1500 दरख्त कराची के अंदर खजूर के लगाए हैं। जब मैंने ये दरख्त लगाए तो लोग कहने लगे कि आप कराची को सऊदी अरब बनाना चाहते हैं। मैंने कहा कि मेरी खुशकिस्मती होगी अगर कराची सऊदी अरब बन जाए, और उससे ज्यादा खुशकिस्मती होगी अगर कराची मक्के और मदीने की तरह है उस किस्म का शहर बन जाए जिस किस्म के शहर को हम बाहर आकर के देखते हैं। मैं समझता हूँ कराची यकीनन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ही नहीं है बल्कि पूरे आलम इस्लाम का बड़ा शहर है। पूरे आलम इस्लाम की नजरें जब पाकिस्तान की तरफ होती हैं तो कराची की तरफ भी होती हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, लोग कहते हैं कि कराची मिनी पाकिस्तान है, लेकिन मैं नाज़िम बनने से पहले यही कहता था कि कराची मिनी पाकिस्तान है, लेकिन आज मैं कराची को मिनी पाकिस्तान नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि कराची पाकिस्तान है और कराची को पाकिस्तान समझते हुए उसके साथ कोई रवैया होना चाहिए हुकूमतों का जो पाकिस्तान के साथ होता है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि मैंने कराची को जिस नहज पर मैं लेकर आ गया हूँ, जिस सतह पर मैं लेकर आ गया हूँ, उस सतह पर आज पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कराची के अंदर कराची पोर्ट ट्रस्ट, पाकिस्तान स्टील मिल, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, पोर्ट प्लाजा, जितने भी इदारे हैं कराची के अंदर, वो सारे के सारे इदारे अब कराची के अंदर तरक्याती काम कर रहे हैं। तो 57 साल की तारीख में इन्होंने कभी नहीं किए थे। प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब यहाँ आए थे बारिश के बाद कराची के हालात को देखने के लिए, और मैंने उनके साथ कराची का दौरा किया था 1 घंटे का, उस दौरे के अंदर मैंने उनको बताया था कि कराची के हालात ये हैं, ये सारे के सारे इदारे कराची की सड़कें इस्तेमाल करते हैं, कराची के फ्लाईओवर इस्तेमाल करते हैं, हमारे स्कूल इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कराची की तरक्की के लिए कोई काम नहीं करते। और मुशर्रफ साहब ने कहा था कि नहीं, मैं 1 हफ्ते के बाद यहाँ आऊँगा और फिर मैं इन सब लोगों को बुलाऊंगा और उनको बड़ा कर के सामने ये बात रखूंगा, आप मसायल रखिएगा। और वहाँ मसायल रखे गए और 29 अरब रुपये का पैकेज सदर मुशर्रफ साहब ने कराची को पहली मरतबा दिया, और इस तरह दिया 29 अरब रुपए के पैकेज से वो सारे के सारे काम इस वक्त कराची के अंदर हो रहे हैं जो आपकी नजरों के सामने हैं। 29 बिलियन का पैकेज कराची की तारीख में पहले कभी नहीं मिला था। जितने पैकेजों का ऐलान हुआ था, पैकेजों का ऐलान जरूर हुआ था, लेकिन कोई पैकेज कराची के शहरी को दिया नहीं गया था। ये पहला पैकेज था जिसका ऐलान भी हुआ और जो कराची के शहरी को दिया भी जा रहा है।